मित्रों प्रणाम। शूद्र जाति को नहीं करना चाहिए तप। ये क्यों, ये कहानी है इसकी पूरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार भगवान राम के दरबार में एक ब्राह्मण रोता हुआ चला आया। हे प्रभु, मेरी संतान 13 वर्ष 10 महीने की होकर आज मेरा पुत्र समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, तो मेरी संतान का ऐसा दशा क्यों हुई है, ये आप मुझे बताएं। आपने ही कुछ ना कुछ कार्य ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। तो मैं जब तक, या तो आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़कर आपकी दहली पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान असमंजस में पड़ गए कि ये कैसी बात है, भगवान तो स्वयं इतने सुकर्मी थे। इसी मध्य में भगवान गुरु वशिष्ठ 8 ऋषियों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ में नारद जी भी थे। नारद जी ने जब ये पूरा वृत्तांत सुना तो भगवान से बोले, हे प्रभु, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल्प के प्रारंभ में सृष्टि में सिर्फ ब्राह्मणों को तप करने का अधिकार था, उसके बाद क्षत्रियों को भी ये अधिकार प्राप्त हो गया। आज की स्थिति में कोई भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति अगर तप करता है तो वह उस राज्य के लिए पाप है जिस राज्य का वह निवासी है। तो हे प्रभु, आप अपने राज्य में ये पता करवाइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शूद्र या वैश्य होकर तप कर रहा है। भगवान ने जब ये सुना तो अपने सभी दरबारियों को, अपने सभी साथियों को आदेश देकर वहाँ से भेज दिया कि आप जाइए और देखिए कौन ऐसा है जो ऐसा तप कर रहा है, ऐसा घृणित कार्य कर रहा है। भगवान स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर उसकी तलाश के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान ने उत्तर दिशा में देखा कि एक व्यक्ति वहाँ उल्टा लटका हुआ पेड़ से और तप कर रहा है, घनघोर तप कर रहा था। उसको देखते ही भगवान ने पुष्पक विमान वहीं उतारा तथा उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम है शंभूक और मैं सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से ये कार्य कर रहा हूँ, ये तप कर रहा हूँ कि मुझे सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने कहा कि आपने सृष्टि के नियमों को तोड़ा है। उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं नहीं जानता कौन सा सृष्टि का नियम, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। भगवान ने उसी क्षण अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। तो इस कथा में भगवान ने ये दर्शाया है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही एक तप करने का अधिकार जो सृष्टि में दिया गया है वो उन्हीं लोगों के पास है, बाकी लोग तप ना करें, ये भगवान की इच्छा है। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी, मैं फिर आपसे मिलूंगा अगली सभा में, आपकी समस्या का निवारण बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।